वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 17 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th इन इंग्लिश मीडियम। एंड दिस वर्कशीट इज शेड्यूल फॉर 12th अगस्त 2020। एंड अगेन दिस वर्कशीट इज रिलेटेड टू चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इन दिस वर्कशीट वी विल स्टडी अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी आप कह सकते हो दैट इज द डिफरेंस ऑफ चार्ज। ओके, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, एंड द डिफरेंस ऑफ चार्ज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी अपनी पोटेंशियल है, इसकी अपनी पोटेंशियल है, और जो ये डिफरेंस है यही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज। सो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहां पर चार्ज है, यहां पर सपोज कीजिए चार्ज कम है, ठीक है, तभी डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब चार्ज यहां से मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड इस चार्ज को मूव करने में क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क जो है वो यहां पर करना होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा, एंड दैट इज द वर्क डन। सो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, ओके, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन डिफाइन हियर दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। सो V is the potential difference and W is work done and Q is charge. So the SI unit of electric potential difference is volt. So SI unit kya hogi? That is the volt. So potential difference we can denote by V, and what will be the SI unit? That also V. Okay? So how can we define 1 volt? So 1 volt is the potential difference between two points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. Yani koi bhi agar do point hain, inke beech mein jo difference hai, agar us jo potential difference hai wo 1 volt kab hoga? जब जो 1 कूलाम चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम हुआ, 1 जूल जो है वर्क हुआ, तो वो डिफरेंस कितना होगा, वो डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ओके, सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलाम, 1 वी इज इक्वल टू 1 जे पर कूलाम। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। सो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, दैट विल बी द वोल्ट मीटर। एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। यानी जो एमीटर है उसको हमेशा किसमें जो कनेक्ट किया जाता है, उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ओके, सीरीज। एंड जो वोल्ट मीटर है उसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। कैसे, मान लीजिए आपको इन टू पॉइंट्स के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, सो यू विल कनेक्ट द वोल्ट मीटर इन पैरेलल टू दीज पॉइंट्स इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ओके, सो एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। Alessandro Volta, an Italian physicist. Okay, the SI unit of volt, potential difference, is named after him. So, after the name of Alessandro Volta, the SI unit is named. Next is electric circuit. What do you mean by electric circuit? Electric circuit is that closed path through which electricity can flow. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. And students, you all are familiar with electric circuit. हम सब के घर में electric circuits है, fan चलते हैं, bulb चलते हैं, okay, कोई भी हमारे appliances जो है वो on है due to the electric circuit. और अगर electric circuit break हो जाता है तो जो भी हमारे appliances हैं वो जो है ग्लो करना बंद कर देते हैं, या बल्ब जैसे ग्लो करना बंद कर देगा, फैन जो है वो ऑफ हो जाएगा,
इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है. इफ द सर्किट इज ओपन और ब्रोकन एनीवेयर द करंट स्टॉप फ्लोइंग. एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज अ सेल, बैटरी, प्लग की, उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, और जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी ये जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं इनको हम कुछ सिंबल्स से शो करते हैं. वो सिंबल्स हम अभी करेंगे, उससे पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट देख लेते हैं. ये जो है सेल या बैटरी यहाँ पर जोड़ी जाती है, और ये क्या है, एक जो है प्लग है, ओके, स्विच जिसको हम कहते हैं, एमीटर लगा हुआ है, और ये बल्ब है. तो इसमें जो हमारा सर्किट है ये क्लोज है, यानी स्विच यहाँ पर ऑन है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो कर रही है. और ये एग्जाम्पल है किस टाइप के सर्किट का, ये एग्जाम्पल है क्लोज सर्किट का. ओके, नाउ देयर आर सम सिंबल्स. सो कन्वेंशनल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स. सो इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते. सो लेट्स डिस्कस सम कंपोनेंट्स लाइक कनेक्टिंग वायर्स. ओके, दिस इज सिंपल लाइन इज अ सिंबल फॉर कनेक्टिंग वायर्स. और अगर वायर जो है एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो हम कुछ इस तरह से शो करते हैं. नेक्स्ट इज रेजिस्टर. व्हाट इज रेजिस्टर? विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट को फ्लो होने से रोकता है, दैट इज द रेजिस्टर आर. नेक्स्ट इज सेल. सेल हैविंग पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. नेक्स्ट इज बैटरी. व्हेन टू और मोर सेल दे कनेक्ट टुगेदर दे फॉर्म अ बैटरी. एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ बैटरी? सो लाइक दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, देन दिस इज नेगेटिव, देन पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, एंड अगेन नेगेटिव. सो दिस इज द, यू कैन से हाउ द सेल्स दे कनेक्ट टू ईच अदर. और आप यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो काउंट कर सकते हो, लाइक दिस वन सेल, एंड दिस वन इज सेकेंड वन, एंड दिस वन इज थर्ड वन. सो ये थ्री सेल्स की जो है क्या बन गई है, बैटरी है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लग आर की. एंड दिस इज ओपन की, दिस इज क्लोज की. आपको इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ है. सो जब इस तरह हम डॉट लगाते हैं इट मीन्स दैट इज अ क्लोज की. ओके, एंड इफ डॉट इज नॉट प्रेजेंट इट मीन्स ओपन की. और यू कैन से दैट स्विच इज not on here. Okay, switch is off, and this means switch is on. So this is off, this is on. Next is bulb. We can represent the bulb like this symbol. Next is ammeter. We can represent the ammeter by A and positive terminal with negative terminal. Next, voltmeter. To measure the potential difference, that is denoted by V and positive terminal and negative terminal. Now, let's discuss some questions. और अगर आपने वर्कशीट को समझ लिया है तो questions आपके लिए मुश्किल नहीं है. First question क्या है? What is meant by saying that the potential difference between two points is 1 volt? So, question जो है आपका वर्कशीट में ही इसका आंसर गिवन है. यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो. 1 volt is the potential difference between two points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other point. So, यहाँ तक आप इसका आंसर जो है लिख सकते हो. Next question number 2, draw the symbols of the given component used in an electric circuit diagram, battery, cell, resistor and closed key. So, this is the symbol for battery and this one is for cell, this one is for resistor and this one is for closed key. Okay? Next question number 3, name the device that help to maintain potential difference across a conductor and what is the name of that device? That device is cell or you can say battery. Okay, that will be the answer. Next, what is the difference between open and closed circuit? So, what is open and closed circuit? First, let's discuss closed circuit. When the electricity flow from a circuit, okay, electricity jo hai koi bhi circuit hai usse flow karti hai. और इफ इट कंटेन अ कंप्लीट पाथ, एक कंप्लीट पाथ है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इट्स पावर सोर्स. जो पावर लगी हुई है, पावर आप किसको कह सकते हो, सेल को, बैटरी को, ठीक है ना. जो पावर लगी हुई है तो पावर इसमें सेल में क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो चार्ज है उसको फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. कोई जो अप्लायंस है बीच में, बल्ब है, मीटर है, कुछ खराब नहीं है, ठीक. और जो हमारा स्विच है वो भी ऑन है, तो वो क्या होगा, दैट विल बी अ क्लोज पाथ. ओके, तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है,
इसमें आप देख सकते हो पॉजिटिव जो है टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव है, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो करंट वो फ्लो करेगा। एंड दिस वन इज ओपन पाथ, एंड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी नॉट फ्लो फ्रॉम अ सर्किट और इफ इट डज नॉट हैव अ कंप्लीट पाथ बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इट्स पावर सोर्स, सो दिस इज नॉट कंप्लीट पाथ एंड हेयर दिस इज नॉट क्लोज्ड, दिस इज ओपन। And here you can see that switch is off here, okay, switch is off, and if the dot is present it means switch is on, dot is not present it means switch is off, so this is the open circuit. So students, I hope aapko worksheet clear hai, if you have any problem then feel free to ask, and subscribe the channel and press the bell icon for further notifications also, and thanks for watching, aur video achhi lagti hai to friends ke saath